हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट अनरेडी विद मी एंड माय स्किन केयर आफ्टर मेकअप. सो बेसिकली मैंने शूट किया था तो ये मेकअप किया था, अभी रिमूव करते हैं इसको और जल्दी से सबसे पहले तो मैंने बालों को वो कर लिया एंड देन मैं यहाँ पे ड्राई मसाज कर रही हूँ. सो जब भी मैं कॉम करती हूँ ना बालों को तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं फिंगर से हल्का हल्का मसाज करूँ. सो यहाँ पे अच्छे से मसाज करने के बाद फिर मैंने कॉम किया अपने बालों को, क्योंकि मैं वैसे खुले बालों में ज़्यादातर रहती नहीं हूँ. सिंपल ना मैं छोटा सा जूड़ा कर लेती हूँ या चोटी कर लेती हूँ, गुत चोटी जो भी बोलते हैं आप लोग. सो यहाँ पे मैं कॉम कर रही हूँ और कॉमिंग के लिए मैं वुडन कॉम यूज़ करती हूँ, नॉर्मल जो प्लास्टिक वाली होती है वो नहीं यूज़ करती हूँ. और इससे मुझे काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं. सो यस, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो अपने बालों को वो कर लेना है आपको. और मेरे बाल ना आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइक फॉल आउट हो रहा है, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं. और बीच बीच में फंस, मतलब आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल हो जाता है कई बार, और कूलर चल रहा है तो और भी ज़्यादा वो हो रहे थे. सो यस, सिंपली यहाँ पे मैंने अपने बालों को कॉम किया है. और हाँ, स्किन केयर में ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जब भी आप मेकअप करो ना तो प्लीज़ प्लीज़ उसे क्लीन करके ही सोना. कभी भी पूरा मेकअप के साथ, मतलब मेकअप के साथ नहीं सोना चाहिए. जब भी आप मेकअप करो प्लीज़ उसे अच्छे से रिमूव करो, अच्छे से डबल क्लेंस करो या जैसे भी आपको करना है, बट आप उसे रिमूव करके ही सोना. क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेकअप की वजह से हमारी स्किन ख़राब होगी, ये वो. मेकअप एक्चुअल में हार्म नहीं करता. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हाँ कई प्रोडक्ट नहीं सूट करते किसी की स्किन को, बट अगर आप मेकअप को अच्छे से रिमूव कर दो ना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है. सो मेकअप को अच्छे से रिमूव करना है ताकि आपके स्किन में एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम ना हो. और कोशिश करो कि मेकअप जितना कम हो सके पहन, मतलब वेयर करो, लाइक जितना ज़रूरी है वही. ये नहीं कि हर उस पर, मतलब आप बहुत हैवी मेकअप लेयर्स एंड लेयर्स अप्लाई कर रहे हो, लेस इज़ मोर. सो मैं क्या करती हूँ, मेरा ना एक फंडा है मेकअप में ना, मैं आईज़ और लिप्स पे फोकस करती हूँ और बाकी बेस वगैरह मैं थोड़ा कम ही करती हूँ. क्योंकि आईज़ और इस पर लिप्स पे लिपस्टिक या आई मेकअप लगाने से कुछ हार्म नहीं होता, और बेस का भी ये रहता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाता है. सो यस, यहाँ पे बाल बाल बांध लिए मैंने और अब मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ. सिंपली माइसलर वाटर यूज़ कर सकते हो आप या नॉर्मल जो भी आपको बाम वगैरह पसंद है. सो यहाँ पे मैं ये जो पैड है ना अर्थ रिदम के, इसे सिंपली आप पानी में डिप करो और मतलब वो सारा एक्सेस वाटर जो है स्क्वीज कर दो एंड इसके बाद जो है आप इससे मेकअप रिमूव कर सकते हो. सो मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, कोई भी माइसलर वाटर मैंने अभी यूज़ नहीं किया. थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है कई बार, बट हाँ आराम से आपका मेकअप रिमूव हो जाता है, ट्रस्ट मी. लाइक ये बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है. सो यहाँ पे मैंने अपना सारा मेकअप जो है इसी से रिमूव किया. वाटरप्रूफ मस्कारा, वाटरप्रूफ नहीं था मेरा मस्कारा, बट हाँ सब कुछ इससे अच्छे से रिमूव हो गया. सो यस, यू कैन सी क्लोजली कि हाँ मेरा मेकअप एक्चुअल में रिमूव हो चुका है. मेकअप रिमूव करने के बाद जो है मैं नेक्स्ट स्टेप करती हूँ वो होता है फेस वॉश. और फेस वॉश के लिए अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ करके कॉफ़ी फेस वॉश है, आई थिंक वो वाला मैं कर रही हूँ. कैपचिनो या पता नहीं एक्सप्रेसो कॉफ़ी फेस वॉश समथिंग करके, सो वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ. काफ़ी सही फेस वॉश है एंड यस. सो चलिए जल्दी से अभी फेस वॉश कर लेते हैं. सो ये रहा वो फेस वॉश, ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है, 200 समथिंग कुछ इसका MRP है. सो अभी ना रिसेंटली मैंने ये मसाजर बाय किया था, तो इससे आप फेस वॉश कर सकते हो. तो मैं कभी कभी, डेली नहीं करती हूँ, कभी कभी यू नो वीक में एक दो बार या कई बार इवनिंग में दिल किया तो ये मसाजर के थ्रू अपना फेस वॉश कर लेती हूँ. और बहुत ही सही, एकदम ऐसे ना वाइब्रेट होता रहता है ये, तो पूरा एकदम ब्लड सर्कुलेशन फेस पे ना एकदम फील होता है, एकदम मस्त वाला वो आता है. सो यहाँ पे मैं इसे 1 मिनट तक यूज़ कर लेती हूँ, मतलब 60 सेकेंड के अराउंड यूज़ करती हूँ. सो यहाँ पे सिंपली आपको मसाज करना है अपने फेस को फेस वॉश लेके. तो अभी मैंने सिर्फ फेस वॉश के साथ ही ये मसाजर यूज़ किया और कुछ ट्राई नहीं किया. सो यस, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि मैं फ़ैन वगैरह सब ऑफ करके वॉइस ओवर करती हूँ, नहीं तो फिर वो फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा आती रहती है और AC तो भी है नहीं. सो यस, सिंपली यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ एंड इसके बाद नेक की मसाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो नेवर इग्नोर योर नेक, नेक पे भी अच्छे से मसाज करना होता है. अभी तो लाइक मैं ऐसे रूम में बैठ के कर रही हूँ तो थोड़ा वो रहता है कि कपड़े गीले हो जाएंगे, बट बाथरूम में तो मैं फुल मेरा टॉप ही गीला हो जाता है. इसके बाद आज मैं डॉक्टर का ये क्लिनजिंग वो है, बेसिकली ये एक्सफोलिएटर है. सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. मैं स्क्रब काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ करती तो मैं यही जेंटल पील यूज़ कर लेती हूँ. तो ये बहुत ही जेंटल है और बिगनर्स के लिए बहुत ही सही है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. और ये ना, मतलब मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी सही मिले हैं. लाइक पहले दूसरा आता था बट अभी पैकेजिंग चेंज हो गई है, बट हाँ प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट लाइक सेम ही है. सो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. फेस एंड नेक पे अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करना है आपको. सिंपली अपना फेस जैसे आप फेस वॉश करते हो ना वैसे ही करना है. अच्छे से मसाज करने के बाद जो है आप इसे लाइक पानी से रिमूव कर सकते हैं
और मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना तभी शो रहता है, सो यस। एंड इसके बाद आज मैं ना आइसिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने आइस लिया है और इसे ये कॉटन का कपड़ा था उसमें वो करके और फिर पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो आइसिंग जो है काफ़ी सही है, बहुत लोग मतलब कई लोग बोलते हैं कि अच्छी है, कई लोग बोलते हैं नहीं। मैं डेली बेसिस पे नहीं करती, बहुत रेयर ही करती हूँ, बट हाँ मैं कर लेती हूँ स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि एक तो अच्छा फील होता है और काफ़ी इसके बेनिफिट भी हैं, तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। सो आज मैं आइसिंग डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना, आपको किसी कॉटन पैड मतलब कॉटन के कपड़े में लेकर या टिश्यू पेपर पे लेके ऐसे करके आपको अप्लाई करना। तो सिंपली मैंने यहाँ कपड़े में ले लिया है और आराम से अपने पूरे फेस पे, लिप्स पे, आईज़ पे अच्छे से टाइम लेके आराम से मैं मसाज करती हूँ। एंड इसके बाद जो है आपको जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। मैं टोनर काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड मुझे कोई ऐसा डिफरेंस दिख नहीं रहा है टोनर ना यूज़ करने से, सो यस मैं टोनर यूज़ नहीं करती हूँ अभी करंटली। बीच बीच में ऑन एंड ऑफ मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, तो यस। एंड इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप जब भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें ना तो कम्प्लीटली ड्राई स्किन पर ना करके, थोड़ा सा डैम्प स्किन जब होती है ना, मतलब हल्की हल्की यू नो हल्की गीली होती है आपकी स्किन, मतलब प्रॉपर ना तो पूरा ऐसे पानी टपकता हुआ भी नहीं, बट हल्की हल्की वो होती है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो आप अपने फेस से यू नो टॉवल वगैरह से क्लीन करके देन जो हल्की डैम्प स्किन होती है ना उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। वो एक तो स्किन में बहुत अच्छे से लाइक अंदर तक डीपली जाता है और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। सो यस यहाँ पर मैंने हल्का सा बर्फ जो ऐसे भी लगा लिया था। तो यहाँ मैं अभी यूज़ कर रही हूँ करेंटली डर्मा को का विटामिन ई मॉइस्चराइज़र, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक मैं 3-4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, सो आई रियली लाइक इट। लाइक प्रॉपरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है एंड प्लस बिल्कुल भी लाइक ऑयली नहीं बनाता आपकी स्किन को, सो येस यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। तो अच्छे से फेस वगैरह मॉइस्चराइज़ करना, और यहाँ मेरे नोज़ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रह गया था बाद में, ऑल्दो मैंने सो कर लिया था। तो मैं मॉइस्चराइज़र के टाइम ही ना हल्की सी मसाज कर लेती हूँ, लाइक मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट हाँ हल्का हल्का अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मैं मसाज करती हूँ। मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है इससे, और हाँ फेस के लिए वैसे तो काफ़ी अच्छी अच्छी मसाज टेक्निक्स हैं तो आप वो सीख सकते हो, मुझे नहीं आती। सो यस गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतना ही मेरा स्किन केयर, बाय बाय।